इंडिया में आपने दूध से बनने वाली चीजें बहुत तरह की देखी होंगी। जहां पर भी दूध दही से कुछ बनाया जा रहा होता है वहां पर गंदगी जरूर होती है, लेकिन गुजरात के सूरत शहर में मिली महाभारत के जमाने की आइसक्रीम की मेकिंग, जिसका न केवल बनाने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है बल्कि इसको इतना साफ सफाई, इतना हाइजेनिक तरीके से बनाया जाता है जिसे आप देखकर चौंक जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले गाड़ी से दूध लाया जाता है और सभी कैन में से दूध को एक टैंक में पलट लिया जाता है और इसी में इसका वजन करके इसको फिल्टर कर लिया जाता है और एक दूसरे टैंक में इसको भर लिया जाता है और यहां से इसको पाइप की मदद से भेजा जाता है पैस्चराइजेशन के लिए, जिसमें कि दूध के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सब मर जाएंगे। जिसके बाद इस दूध को एक बार फिर से फिल्टर करके एक दूसरे टैंक में भर लिया जाता है और अब इसके अंदर डाला जा रहा है कल्चर यानी कि जमा, जिससे इसकी दही जमाई जाएगी। कल्चर डालते ही दूध 5 मिनट में फटकर दही बन जाती है, जिसके बाद अब एक जालीदार कंटेनर के ऊपर कपड़ा लगाकर उसमें दही रखी जाती है। अब इसको पैक करके कुछ देर के लिए रख दिया जाता है और इसको जब बाहर निकाला जाता है तो यह एकदम टाइट दही दिखती है, जिसके बाद अब इसको एक दूसरे मशीन में डाला जाता है और उस मशीन से इस शेप में दही बाहर निकलती है, जिसे श्रीखंड भी कहा जाता है। अब श्रीखंड को एक दूसरी मशीन में डाला जाता है और उसमें चीनी भी डाली जाती है। आम को छीलकर उसको बारीक पीस में काट लिया जाता है, फिर श्रीखंड में क्रीम, आम का जूस और आम के काटे गए छोटे छोटे पीस को उसमें डालकर अच्छे से मिक्स किया जाता है, जिसके बाद हमारा एकदम शुद्ध प्योर आइसक्रीम बनकर रेडी हो जाता है।